आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड में। स्टार्ट। नोबेल पुरस्कार विजेता महान भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म की वर्षगांठ को प्रत्येक वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के रूप में मनाया जाता है। टैगोर जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष बैसाख माह के 25वें दिन पड़ती है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार यह प्रतिवर्ष 7 मई को मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर तथा माता का नाम शारदा देवी था। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे पुत्र थे। इनके परिवार के लोग सुशिक्षित और कला प्रेमी थे। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा अधिकांश घर पर हुई थी। इनको वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ 1 साल ठहरने के पश्चात वह भारत वापस आ गए। घर के शांतपूर्ण वातावरण में इन्होंने बंगला भाषा में लिखने का कार्य आरंभ कर दिया और शीघ्र ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं, लघु कहानियां, उपन्यास, नाटक और निबंध लिखे। उनकी रचनाएं सर्वप्रिय हो गई। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपूर्व योगदान दिया और उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनकी अनेक रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया जा चुका है। टैगोर एक दार्शनिक, कलाकार और समाज सुधारक भी थे। कलकत्ता के निकट इन्होंने एक स्कूल स्थापित किया जो अब विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य, शिक्षा, संगीत, कला, रंगमंच और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया। अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण वह सही मायनों में विश्व कवि थे। वे गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय हुए। गुरुदेव के काव्य के मानवतावाद ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। दुनिया के तमाम भाषाओं में आज भी टैगोर की रचनाओं को पसंद किया जाता है। वे चाहते थे कि विद्यार्थियों को प्रकृति के सन्निध में अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन सहित दर्जनों देशों की यात्राएं की थी। 7 अगस्त 1941 को देश की इस महान विभूति का देहावसान हो गया। श्री टैगोर दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी 2 कृतियां 2 देशों की राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती प्रतिवर्ष हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। उनकी जयंती पर विद्यालयों में काव्य पाठ के साथ चित्रकला, रंग भरो व कोलाज पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया जाता है। विभिन्न संगठनों एवं टैगोर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा टैगोर जयंती का उद्देश्य बताते हुए
भारतीय साहित्य एवं संस्कृति से अवगत कराया जाता है। टैगोर जयंती सर्वत्र धूमधाम से मनाई जाती है एवं जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जाती है। कवि गुरु के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है।